हाय फ्रेंड्स, मैं आपको एस्काडा के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई अलग वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस हिसाब से मैं एस्काडा के बारे में आपको समझाऊंगा, इसके अलावा प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन करके मैं दिखाऊंगा। जैसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं, प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन भी करके दिखाऊंगा, थ्योरी भी बताऊंगा, प्रैक्टिकल भी बताऊंगा, इसके साथ डेफिनेशन भी बताऊंगा, इंटरव्यू में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसके बारे में भी बताऊंगा। तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही यूजफुल वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेगी, आपका ज्ञान, आपका इल्म, आपका नॉलेज हमेशा बढ़ता रहेगा और आप एक बेहतर इंसान डे बाई डे बनते रहेंगे और अच्छे खासे पैसे भी कमाते रहेंगे, अच्छे खासे इज्जत भी कमाते रहेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में सर, मैंने आपको थोड़े दिन पहले एक दो वीडियो में बताया था कि माइक्रो कंट्रोलर होता क्या है, और उससे पहले मैं बताया था कि पीएलसी होता क्या है। तो दोस्तों, पीएलसी होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, जो कि एक हार्डवेयर होता है। आप देख सकते हैं इस वीडियो में जो ये सीमेंस का पीएलसी है, ये एक हार्डवेयर है, एक डिब्बा है जिसको आप हाथ में पकड़ सकते हैं। तो दोस्तों, पीएलसी यही होता है, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर होता है, जो कि प्रोसेस को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है? प्रोसेस को कंट्रोल करता है। और पीएलसी में एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स में माइक्रो प्रोसेसर होता है और मेमोरी होता है, और इनपुट आउटपुट कार्ड्स अलग से लगाए जाते हैं, तब जाके एक कंप्लीट सिस्टम बनता है। माइक्रो कंट्रोल एक ऐसा ही डिब्बा होता है, उस डिब्बे में माइक्रो प्रोसेसर भी होता है, मेमोरी भी होता है और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी होती है एक ही आईसी में। किसमें? एक ही आईसी में, एक ही सबस्ट्रेट में, एक ही डिब्बे में माइक्रो प्रोसेसर भी होता है, मेमोरी भी होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी होती है, तीन चीजें होती हैं, उसको बोलते हैं माइक्रो कंट्रोलर। तो माइक्रो कंट्रोल एक कंप्यूटर सिस्टम होता है जो कि मैन्युफैक्चर्ड होता है सिंगल आईसी पे, सिंगल आईसी पे बना होता है पूरा कंप्यूटर। वैसे तो हम कंप्यूटर जो इस्तेमाल करते हैं, इसमें माउस अलग से लगाया जाता है, यानी इनपुट डिवाइसेस अलग से लगाई जाती है, कीबोर्ड अलग से लगाई जाती है, और आउटपुट डिवाइसेस जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सारे चीज़ें हैं वो अलग से लगाए जाते हैं, और मेमोरी भी अलग से लगाया जाता है। रैम 4GB 8GB होता है, अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो और भी स्लॉट्स खाली रहते हैं, उसमें मेमोरी लगा सकते हैं, तब जाके कंप्यूटर बनता है। लेकिन माइक्रो कंट्रोलर एक ही आईसी पे पूरा कंप्लीट सिस्टम बना रहता है, सिंगल आईसी पे पूरा कंप्यूटर सिस्टम होता है, और इस माइक्रो कंट्रोलर में माइक्रो प्रोसेसर भी होता है, मेमोरी भी होता है, इनपुट एक ही आईसी पे। और पीएलसी क्या होता है दोस्तों? पीएलसी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर होता है। ये पीएलसी है, एक हार्डवेयर होता है जो कि प्रोसेस को कंट्रोल करता है। किसको? प्रोसेस को कंट्रोल करता है। इसमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस अलग से लगाई जाती है, और पीएलसी में मेमोरी भी होता है और माइक्रो प्रोसेसर होता है। अब एस्काडा की तरफ हम बढ़ते हैं। एस्काडा क्या होता है दोस्तों? एस्काडा देख रहे हैं आप इस पिक्चर में, तो ये एक मॉनिटर है। इस मॉनिटर में बहुत सारे स्क्रीन्स, ग्राफिक्स है, तो ग्राफिक्स ही एस्काडा है। वैसे मैं आपका डेफिनेशन, फुल फॉर्म्स भी बताऊंगा। हर कंप्यूटर में जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा एस्काडा है। इस कंप्यूटर में देखिए, आप जो देख पा रहे हैं, ये ओरिजिनल पावर प्लांट जो होता है, प्रोसेस प्लांट्स होता है, फर्टिलाइजर प्लांट्स होता है, केमिकल प्लांट्स होता है, उस प्लांट को एक पिक्टोरियल टर्म में बनाया गया। जैसे डायग्राम होता है, उसी तरह का जो प्लांट का असली डायग्राम होता है, उसी डायग्राम को इस कंप्यूटर पे बनाया जाता है, इसको एस्काडा बोलते हैं। आप देख सकते हैं ये भी एस्काडा है, एक कंप्यूटर पे आपको ये टर्बाइन सिस्टम है, टर्बाइन है, और इसमें जनरेटर है, कैसे टर्बाइन काम करता है, इसको पिक्चर के माध्यम से दर्शाया गया है, जो कि ओरिजिनल पावर प्लांट का ये लेआउट है। उसी तरह आप इस वीडियो में देखिए, यहाँ पे ये पिक्चर है, ये एक वेसल है, यानी बर्तन है, इसमें लेवल भी दिख रहा है, और बहुत टाइप्स के इंस्ट्रूमेंटेशन है, पंप्स है, लाइन्स है, और सिस्टम्स है। तो ये जो कंप्यूटर पे ग्राफिक्स है, इसको एस्काडा बोलते हैं। तो एस्काडा का फुल फॉर्म क्या होता है? आपने तो एस्काडा देख लिया है, ये आपने पीएलसी भी देख लिया। पीएलसी एक डब्बा है, एक हार्डवेयर है, और एस्काडा क्या है दोस्तों? एक ग्राफिक्स है। क्या है? ग्राफिक्स, जो कि कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है। जैसे आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं अपने मोबाइल पे, उसी तरह ये ग्राफिक का इंस्टॉल है, ग्राफिक इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर में। तो ये ग्राफिक्स जो होता है, इसी को बोलते हैं एस्काडा। अब एस्काडा का फुल फॉर्म क्या हो और इसका काम क्या होता है, एस्काडा का फुल फॉर्म क्या होता है और ये कैसे काम करता है, मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स अभी बताने वाला हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, आपको इतना अच्छे से मैं बता दूंगा कि कोई अलग वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एस क्या होता है? सुपरवाइजरी। एस क्या होता है दोस्तों? सुपरवाइजरी होता है।
एस जो होता है सुपरवाइजरी होता है, सुपरवाइजरी, और सी मतलब होता है कंट्रोल, ए मतलब होता है एंड, डी से डेटा और ए से एक्विजिशन, एक्विजिशन, इसको थोड़ा सा मिटाता हूं, सॉरी, डेटा एक्विजिशन। तो एस्काडा होता है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन, मतलब करता क्या है कि सुपरवाइज करता है पूरे प्लांट को, जितने भी कंट्रोल सिस्टम होता है उसको सुपरवाइजरी करता है, और डेटा को एक्वायर करता है, यानी डेटा को क्या करता है, सेव करता है, डेटा को क्या करता है, सेव करता है, सेव करता है, डेटा को सेव करता है, जिसको बोलते हैं डेटा एक्विजिशन, और सुपरवाइज ओवरऑल सिस्टम को सुपरवाइज करता है, सुपरवाइज करता है, ओवरऑल सिस्टम को सुपरवाइज करता है और डेटा को सेव करता है। कौन सा डेटा को सेव करता है, कि कब कौन सा पंप चला है और कौन कौन से इक्विपमेंट ऑन हुए हैं या ऑफ हुए हैं। तो दोस्तों, डेटा जो एक्वायर करता है वो इस प्रकार से करता है कि कौन सा पंप, यानी इसमें दो पार्ट है, एस्काडा में दो पार्ट है, एक सुपरवाइजरी कंट्रोल है और एक डेटा एक्विजिशन है। तो डेटा सेव करता है, यानी कब कौन सा प्लांट चला है, ये कब कौन सा प्लांट चला है, इसके अलावा और कौन कौन से इक्विपमेंट कब ऑन हुए हैं और कब ऑफ हुए हैं, मतलब सारे सिस्टम को ये डेटा के रूप में सेव करके रखता है कि कब क्या ऑन हुए हैं, कब क्या ऑफ हुए हैं, और पूरे ओवरऑल सिस्टम को क्या करता है, सुपरवाइज करता है। तो एस्काडा जो है एक ग्राफिक्स होता है, क्या होता है, एस्काडा एक ग्राफिक्स होता है जो कि ओवरऑल सिस्टम को सुपरवाइज करता है और डेटा सेव करता है। अब डेटा किस टाइप के सेव करता है दोस्तों, ये आपने मैंने नीचे बता दिया कि डेटा कब कौन सा पंप चला है, कौन कौन से इक्विपमेंट चला है, कब ऑफ हुए है, सारा डेटा सेव कर लेता है। कौन करता है, एस्काडा करता है। और एस्काडा क्या है, एक ग्राफिक्स है, एस्काडा एक सॉफ्टवेयर है, क्या है, सॉफ्टवेयर है। और पीएलसी क्या है दोस्तों, पीएलसी एक हार्डवेयर है। और जब दोनों मिलते हैं तो एक कंप्लीट सिस्टम बनता है, यानी आपके मोबाइल जो है एक हार्डवेयर है लेकिन उसमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर मिलकर एक पूरा एक कंप्लीट सिस्टम बनता है। तो एस्काडा एक क्या है, सॉफ्टवेयर है। आपको याद होना चाहिए कि एस्काडा क्या है दोस्तों, एस्काडा एक सॉफ्टवेयर है और पीएलसी एक हार्डवेयर है। तो एस्काडा के बारे में कोई भी पूछेगा तो आपको बताना है कि एस्काडा एक ग्राफिक होता है। इंटरव्यू में यही पूछा जाता है कि हेलो मिस्टर एक्स वाई जेड, हेलो अक्षय कुमार, एस्काडा क्या होता है, तो एस्काडा एक ग्राफिक्स होता है जो कि क्या करता है, ओवरऑल सिस्टम को सुपरवाइज करता है। एक ग्राफिक्स होता है जो कि ओवरऑल सिस्टम को सुपरवाइज करता है और डेटा को सेव करता है। आप एक नोट्स बना लीजिएगा, हमेशा के लिए याद रखिएगा कि एस्काडा एक ग्राफिक्स होता है जो कि ओवरऑल सिस्टम को सुपरवाइज करता है और डेटा को सेव करता है। अब इंटरव्यूअर ये पूछेंगे कि कौन सा डेटा को सेव करता है, मतलब किस प्रकार का डेटा सेव करता है, डेटा कौन सा सेव करता है। तो दोस्तों, जितने भी इक्विपमेंट से कब ऑन हुए हैं, कब ऑफ हुए हैं, कितने घंटा चला है, सब डेटा के रूप में स्टोर करता है। अब अगर हमें जानना हो कि घर के ये जो मोटर है कब चली है, तो अगर एस्काडा होगा तो बता देता कि कब ये मोटर चल
चली है, और जब अगर मोटर खराब हो जाता है तो इससे यही हिस्ट्री पता करते हैं कि कब कब चली है, कैसे चली है, तब उसके डायग्नोस कर पाते हैं कोई भी सिस्टम को। जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो वो पूछता है कि आपने कौन सी दवाई ली है, क्या क्या खाना खाया है, आपके पूरे हिस्ट्री पता करता है, फिर बताता है शायद इसके वजह से आपकी प्रॉब्लम हुई होगी। उसी तरह डेटा जो स्टोर होता है कंप्यूटर में, वो पूरे प्लांट का डेटा स्टोर करता है, और कब कब कौन कौन से सिस्टम चले हैं, कौन कौन से सिस्टम बंद हुए हैं। अगर कभी खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम आती है किसी प्लांट में, कोई प्लांट जल जाता है, आग लग जाता है, एक्सीडेंट होता है, तो एस्काडा ही बताता है कि कौन कौन से इक्विपमेंट कब चले थे, कब बंद हुए थे। उससे पता चल जाता है कि इसके वजह से ये प्रॉब्लम प्लांट में आया है, और ओवरऑल जो कंट्रोल है वो ओवरऑल सिस्टम को कंट्रोल करता है। कौन करता है? एस्काडा करता है। एस्काडा ओवरऑल सिस्टम को सुपरवाइज करता है, डेटा को सेव करता है। एस्काडा एक ग्राफिक्स है और पीएलसी एक हार्डवेयर है, एस्काडा एक सॉफ्टवेयर है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको एस्काडा के बारे में बहुत कुछ पता चल गया होगा, और आपको ये भी पता चल गया होगा कि ये जो ग्राफिक्स कंप्यूटर पे होता है यही एस्काडा है। बाकी लोग तो हवा बना कर रखे हैं कि एस्काडा क्या होता है, पीएलसी क्या होता है। मैंने ये भी बता दिया कि ये पीएलसी होता है, एक हार्डवेयर होता है, डिब्बा है होता है, और माइक्रो कंट्रोलर जो होता है वो एक ही डिब्बे में तीन चीज़ें रखता है, माइक्रो प्रोसेसर भी रखता है, मेमोरी भी रखता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस रखता है। लेकिन जो आम कंप्यूटर होते हैं उसमें क्या होता है कि माइक्रो प्रोसेसर होता है, उसके बाद लगाए जाते हैं माउस और प्रिंटर, मॉनिटर और आपके कीबोर्ड्स। तो इनपुट अलग से लगाए जाते हैं, आउटपुट डिवाइसेस अलग से लगाए जाते हैं, मेमोरी भी अलग से रैम की लगाई जाती है। और जो पीएलसी होता है, इस डिब्बे में माइक्रो प्रोसेसर होता है, मेमोरी होता है, और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस अलग से लगाए जाते हैं। तो दोस्तों, पीएलसी के बारे में नॉलेज हो गया आपको, माइक्रो कंट्रोलर के बारे में नॉलेज हो गया, इसके अलावा स्काडा के बारे में आपको नॉलेज हो गया। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक एंड व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। देश की जनता को, एजुकेशन को बढ़ाना आपके दायित्व है, कर्तव्य है, ड्यूटी है, फर्ज है। तो एक फर्ज अदा कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, और आने वाले दिनों में और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। इसीलिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, हम है रही ज्ञान के, फिर मिलेंगे चलते चलते। तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद।